नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। गुजरात के सूरत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबर जैसे ही देश में फैली, चारों तरफ माहौल गर्मा गया। एक तरफ माहौल मातम का हो गया, क्योंकि आग इतनी भयावह थी कि चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा था। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसमें 23 बच्चों की मौत हो गई और सारे बच्चे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हुए थे। इस हादसे में कई वीडियो वायरल हुए जिनमें बच्चे अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे। इस दर्दनाक हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए लॉयंस क्लब ऑफ रायपुर ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आगे ऐसे हादसे ना हो, इसलिए लोगों को जागरूक रहने के लिए भी अपील किया है। आज लॉयंस क्लब ऑफ रायपुर फ्रेंड्स सब पूरा क्लब यहाँ पे एकत्रित है, हमारा लायंस क्लब का, और सूरत में हुई इस दुखद घटना की भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं आगे ये दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लायंस क्लब तरह तरह के सामाजिक कार्यक्रम और एक्टिविटीज़ में अग्रणी रहता है और इसी बात को लेकर चिंतित है। और आज हमारे रायपुर शहर में और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बहुत सारी इररेगुलरिटीज़ हैं हमारी शिक्षण संस्थाओं में, और जहाँ पे इन यूथ का वॉकिंग्स होता है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम लेके यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। और हमने ये भी प्लान किया है कि जैसे ही स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तो लायंस क्लब के बैनर पे हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम रखेंगे ज़िंदगी न मिले दोबारा। और इस प्रोग्राम में फायर सेफ्टी प्रोग्राम इंक्लूड किया जाएगा। जो हादसा हुआ बच्चों के साथ, उसका हमें बहुत अफसोस है। मैं सभी स्कूल और कॉलेजेस को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने स्कूल और कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी की व्यवस्था ज़रूर करें। धन्यवाद। और उन बच्चों को मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हुए बच्चों को श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके माता पिता को इस दुखद घटना से बाहर निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें हिम्मत प्रदान करें। जनरली हम सभी स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, पहले हम शिक्षा के बारे में सबके बारे में बताते थे, अब लायंस क्लब में होने के कारण आज से हमने भी सोच लिया है कि जब भी कहीं भी सेमिनार्स होंगे पहला यही रहेगा कि जिन बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिनको हम कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी सेफ्टी, ये हमको किसी स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है। ये करिकुलम एक्टिविटीज़ के रूप में हर स्कूल्स में रहना चाहिए। ऐसे आपदा के समय में बच्चों को किस तरह से अपने आप को सेफ्टी पूर्वक बाहर निकाल सकें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी बच्चों को देखा हूँ कि जैसे आग लगती है या कोई भी दुर्घटना होती है, सबसे पहले घबरा जाते हैं। घबराने से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी का सवाल है। तो उस समय वो धैर्य के साथ में सोच समझ करके किस तरह से अपने प्रयत्नों से निकल सकते हैं। सरकारी उपक्रम दूसरे लोग तो देते हैं, लेकिन अपने आप कैसे निकल सकते हैं, इसको भी एक एक्टिविटी के रूप में जगह जगह स्कूल्स में हम लोग आयोजन करने के लिए सोच रहे हैं। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।